गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे पढ़ना चालू कर रहे हैं अपन। अब मेरी बात सुनिए, देखो कल अपन ने सेटअप कैरी फॉरवर्ड चालू किया था, कुछ क्वेरीज भी थी बच्चों की, वो भी लेते हैं। मेरी बात सुनो, क्या पढ़ा अपन ने, कोई भी असेसी होता है किस पे टैक्स देता है, नेट इनकम पर। नेट इनकम कैसे आती है, पहले अपन उसका प्रॉफिट जोड़ते हैं, फिर उसका लॉस निकालते हैं, और उसके प्रॉफिट में से लॉस को लेस करने के बाद जो इनकम बची वो उसकी नेट इनकम है। अब ये नेट इनकम कैसे आती है, गवर्नमेंट कहती है लॉसेस को तरीके से सेट ऑफ करना। तरीके से कैसे सेट ऑफ करते हैं, पहले स्टेप वन इंट्रा हेड, स्टेप टू इंटर हेड, और स्टेप थ्री जो आज पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। स्टेप वन में अपन ने क्या पढ़ा था इंटर हेड में, कि पहले आप जब लॉस सेट ऑफ करने जाओ, ठीक है, तो एक हेड के लॉस को उसी हेड में इनकम में सेट ऑफ करो। ठीक है, मेरी बात वापस सुनो प्लीज। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप ये देखोगे कौन सा हेड में लॉस है, क्या उसी हेड में इनकम भी है क्या कहीं पर। अगर है तो पहले उस लॉस को उस हेड की इनकम से सेट ऑफ करो। बच गया वो लॉस तो अब पड़ोसियों की तरफ दूसरे हेड के पास जाओ, और अभी भी लॉस बच गया तो फिर आने वाले सालों के सेट ऑफ करने के लिए क्या करो, कैरी फॉरवर्ड। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, आग बंद करके सेम हेड में या दूसरे हेड में लॉस को इनकम से सेट ऑफ कर दो, बस कुछ एक्सेप्शंस का ध्यान रखना। अब इंट्रा में क्या एक्सेप्शंस है, मैंने एक एक करके बताया था। बिजनेस हेड में क्या बताया था, एक जुए वाला भाई याद है, स्पेकुलेटिव लॉस किसी से सेट ऑफ नहीं होगा, 35VD का लॉस किसी से भी सेट ऑफ नहीं होगा, याद आ रहा है। कैपिटल गेन में क्या बताया, बताया था मैंने कि छोटा भाई जो है वो बड़े भाई का साथ नहीं देता, मतलब शॉर्ट टर्म में लॉस है और लॉन्ग टर्म में इनकम है, तो छोटा बड़े को शॉर्ट टर्म में लॉस बट लॉन्ग टर्म को इनकम है, जब तो सेट ऑफ हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के पास पैसे है और लॉन्ग टर्म के पास लॉस है तो सेट ऑफ नहीं होगा। तीन एक्सेप्शन पढ़े, चौथा एक्सेप्शन अपन ने अदर सोर्सेज का हॉर्स रेस का पढ़ा था। हॉर्स रेस का क्या अंदर क्या था, लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्स रेस अपने किसी भी भाई से सेट ऑफ नहीं होगा, याद आ रहा ना, ठीक है। अब इसके बाद इंटर के बाद कहां पहुंचे थे अपन, इंटर पे, कि भाई भाई के पास पैसे खत्म हो गए, अब वो बंदा पड़ोसी से पैसे मांगने जा रहा है सेट ऑफ के लिए। तो पड़ोसी में क्या क्या पॉइंट याद रखने थे, जिस इंसान का भाई साथ नहीं देता उसका पड़ोसी भी साथ नहीं देते, याद आ रहा है ना। इसका मतलब 35VD ले लो, स्पेकुलेटिव बिजनेस ले लो, लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्स रेस ले लो, ये तीनों लॉस किसी से सेट ऑफ नहीं होते, ठीक है। और अब कैपिटल लॉस पे जाओ, कैपिटल में लॉन्ग टर्म का साथ भाई ने नहीं दिया, पड़ोसी भी नहीं देंगे, और शॉर्ट टर्म का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अपने बड़े भाई का ही नहीं हुआ टाइम पे। तो फाइनली क्या पढ़ा था अपन ने, कि कैपिटल गेन हेड का कोई लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, ये चार रिस्ट्रिक्शन हुए। और पांचवा कौन सा था, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस हेड में दो भाइयों का तो साथ कोई नहीं देता, और उस तीसरे भाई से कौन चिढ़ गया, सैलरी हेड। तीसरा भाई का नाम क्या था, नॉन स्पेकुलेटिव ना, तो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस जो है बाकी से सबसे सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब कल मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें कई जने क्वेरी कर रहे थे कि भाई डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन है, मैंने क्या तरीके से सॉल्यूशन भेजा है आप लोगों को वो सुनो। देखो क्या करना है, एक टेबल बनानी है, जैसे कल बताई थी मैंने, जितने भी लॉसेस दे रखे हैं, जितने भी हेड दे रखे हैं, सबको कॉलम में बांट लो, उन कॉलम में रेस्पेक्टिव इनकम भर दो। पहले क्वेश्चन में देखो कितनी कितनी इनकम है, सब जगह इनकम इनकम भर दी, फिर लॉस लॉस भर दिया सब जगह, फिर इनकम में से लॉस जहां प्लस माइनस है वहां तो उधर ही उड़ा दो और बैलेंस निकालो। फिर इंट्रा हेड किया मैंने, फिर इंटर हेड किया, और फिर फार्म में इनकम है, ठीक है। डाउट हो इंट्रा हेड और इंटर हेड में मैंने ध्यान रखा कि हाँ भाई पहले विद इन सेम हेड में सेट ऑफ कर रहा हूं, तो जो लॉस सेट ऑफ हो रहा है उसमें लिख दिया प्लस, और जो इनकम के अंदर सेट ऑफ हो रहा है उसमें लिख दिया माइनस, ताकि मेरे को भी ध्यान रहे सॉल्यूशन के वक्त कि कौन सा लॉस कौन सी इनकम से सेट ऑफ हो रहा है, और रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना ही। तो बच्चों अब आज क्या रह गया, आज ये रह गया कि वो लॉस जो पिछले साल का था इंट्रा और इंटर सेट ऑफ के बाद भी बच गया है, तो अब गवर्नमेंट कहती है आप टेंशन मत लो, अभी आने वाले सालों में ऐसा थोड़ी आप पैसे नहीं कमाओगे, कमाओगे, तो जब आने वाले साल में पैसे कमाओगे तो उस इनकम से लॉस को क्या कर देना, सेट ऑफ। तो अब अपन एक एक करके देखते हैं कि आने वाले साल, मतलब अगर लॉस 18-19 का है तो 19-20 में अपन ने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड, तो 19-20 प्लस 20-20 में जो भी है वो लॉस किस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है,
ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं, वो सुनिए। देखो चार कॉलम बनाए मैंने, ये कॉलम है वो लॉस बता रहा है ये जो पिछले साल सेट ऑफ नहीं हो पाया, जिससे मजबूरी में अपन ने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड। ये कॉलम है वो इनकम जो इस साल हुई है, ठीक है, ये वो इनकम होगी जिससे वो लॉस सेट ऑफ हो सकता है, उसके अलावा वो सेट ऑफ नहीं होगा। ये है नंबर ऑफ ईयर कैन बी फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो 18-19 में मुझे लॉस हुआ, मैंने सोचा कोई बात नहीं 19-20 में सेट ऑफ कर लूंगा, 19-20 के अंदर मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो अभी भी मत घबराओ, घबराने की जरूरत नहीं है, अगला साल 21-22 बचा है, फिर उसका अगला साल भी बचा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे कितने साल तक आप वेट कर सकते हो, एक टाइम के बाद गवर्नमेंट कहेगी इतने साल आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अब वो लॉस जो है लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर है 8 साल, आपको इस साल लॉस हुआ, आप कैरी फॉरवर्ड करो, 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करो और 8 सालों तक भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो गवर्नमेंट कहते हैं सॉरी आपसे प्रॉफिट नहीं कमाया जा रहा, हम उस लॉस को लैप्स कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। और लास्ट कॉलम है रिटर्न यस और नॉट, मतलब बच्चों देखो कुछ ऐसे लॉस होते हैं जिसमें मान लीजिए मैंने आप सबको बुलाया कि हर इंसान को हर एसएससी को इनकम टैक्स में रिटर्न भरना होता है। रिटर्न क्या मतलब होता है, एक ऐसा हिसाब किताब जो एक एसएससी गवर्नमेंट को बताता है कि मैंने इस साल कितने रुपए कमाए हैं गवाए, मेरी बात समझ में आई। अब सुनो 18-19 के अंदर कोई लॉस हुआ, आपने रिटर्न भरा, रिटर्न भरने से गवर्नमेंट को पता चल गया हाँ इसे इस साल लॉस हुआ है। अब जब नेक्स्ट ईयर आप अपने मन से ही कैरी फॉरवर्ड कर लोगे तो ऑफिसर आपको बुलाएगा नहीं कि लॉस कब हुआ, ऑफिसर पिछले साल के रिटर्न चेक कर लेगा कि हाँ यार इसने अपने रिटर्न में शो किया है, करने दो सर, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। और अगर मेरी बात ढंग से समझना, और अगर ऐसा होता है कि 1920 के अंदर मान लो आपने जैसे यहाँ पे कई जगह मैंने नो लिखा हुआ, नो मतलब कुछ ऐसे लॉसेज है जिसको गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं आपने रिटर्न नहीं भी भरा होगा तो भी ये लॉस सेट ऑफ हो सकता है, क्लियर, मतलब समझ में आ रहा है। रिटर्न में जहां जहां नो लिखा उसका मतलब अगर किसी साल आपको लॉस हुआ, उस साल आप रिटर्न भरना भूल गए और अगले साल सेट ऑफ हो गया तो भी गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, इनमें हमने रिटर्न भरने की ना भरने की छूट दे रखी, क्लियर, ठीक है। तो चलो आप एक एक करके पढ़ते हैं कौन सा लॉस कौन सी इनकम से सेट ऑफ होगा। पहला देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूज करने वाला लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अब मैं समझाता भी जाता हूं। कल मैंने इंट्रा और इंटर पढ़ाया था जिसमें मैंने हाउस प्रॉपर्टी का कोई पॉइंट नहीं पढ़ा, कोई पॉइंट नहीं पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर लॉस है तो इंट्रा भी हो सकता है इंटर भी हो सकता है, किसी भी हेड को भाई को पड़ोसी को कोई दिक्कत नहीं, करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कभी दिक्कत नहीं आती, जिससे मन आए उससे सेट ऑफ कर लो, सबसे पहले सैलरी से करो तो अच्छा है क्योंकि सैलरी बाकी लोगों का साथ नहीं देता, इसका तो देता है, तो पहले अपन ये काम करके हाउस प्रॉपर्टी को पहले सेट ऑफ कर लो, क्लियर, एक पॉइंट खत्म। अब बात आती है आने वाले साल की, मेरी बात ढंग से समझना, सामने ध्यान देना, 18-19 में हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, किससे सेट ऑफ करूं सर, किसी से भी कर लो जो मन में, प्रॉफिट खत्म हो गया, अभी भी लॉस बाकी है, अभी भी लॉस बाकी है, तो कौन सा साल आया 1920 में आपने इस लॉस को क्या किया, कैरी फॉरवर्ड, अब आप सेट ऑफ करना चाहते हैं। 1920 में जो इनकम्स हुई है कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी का साथ नहीं दे रही है, मेरी बात समझ में आई, जब सेम ईयर होता है तब सब साथ देते हैं लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी का साथ कोई नहीं दे रहा, इसका मतलब वो केवल किससे सेट अप हो सकता है, खुद से, आने वाले साल में खुद ही अपना हेड पैसे कमाएगा तो क्या हो सकता है सेट अप। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल, 8 साल तक वेट करेगी गवर्नमेंट के हाउस प्रॉपर्टी में कोई इनकम है क्या, 8 साल में भी कभी पैसे नहीं कमाए हाउस प्रॉपर्टी हेड में, अब तो लाजमी है आपका ये जो लॉस है लैप्स होगा और इसमें गवर्नमेंट कहती है रिटर्न की जरूरत नहीं, वो जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि लॉस हाउस प्रॉपर्टी में तभी आता है जब बैंक से लोन ले रखा होता है और लोन पे इंटरेस्ट की वजह से लॉस आता है, जिसका गवर्नमेंट भी अपने खुद के लेवल पर भी अरेंजमेंट कर सकती है कि कैसे लॉस आए, क्लियर, ये समझ में आ गया। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला यही है, करंट ईयर में कुछ और आने वाले साल में कुछ और, ठीक है। नेक्स्ट
लॉन्ग टर्म में कुछ अलग नहीं, लॉन्ग टर्म का करंट ईयर में ही किसी ने साथ नहीं दिया तो आने वाले साल में तो भूल ही जाओ, तो केवल किससे हो सकता है, खुद से। शॉर्ट टर्म का साथ लॉन्ग टर्म में तो दिया ही था ना, ठीक है, तो आने वाले साल में भी बड़ा भाई साथ दे रहा है, और किससे सेट हो सकता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों, खुद से तो हो ही सकता है ना सब, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, समझ पा रहा है, ठीक है। आप ये रट सकते हो, जिस इंसान का साथ करंट ईयर में कोई नहीं देता तो आने वाले साल में तो और भी कोई साथ नहीं देता, ठीक है, तो खुद ही से करो सेटअप। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 8 साल, और इसमें रिटर्न यस लिखा है, बिना रिटर्न भरे आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट है लॉस ऑफ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। नॉन स्पेकुलेटिव मतलब कल क्या बताया था मैंने, वो ईमानदार वाला भाई, ना जुआ खेलता है ना कुछ, ईमानदारी से पैसे कमाता। करंट ईयर में किसने साथ दिया था, सबने याद आ रहा हो तो, किसको छोड़ के, सैलरी हेड को छोड़, सैलरी हेड ने साथ नहीं दिया था। तो अब बात आती है आने वाले सालों की, अब आने वाले सालों में क्या हो, सुनो ध्यान देना प्लीज, आने वाले साल में आप नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के 4 टुकड़े करोगे, हालांकि ये टुकड़े 4 करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में टुकड़े किए हुए आते हैं कि पिछले साल इन इन चीजों का लॉस हुआ। तो सुनो, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में आपको फॉर एग्जांपल 20 लाख का लॉस हुआ, 20 लाख के लॉस में डेप्रिसिएशन का अमाउंट इतना, साइंटिफिक रिसर्च का इतना, मतलब दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में, फैमिली प्लानिंग का इतना, और जो बच गया, मतलब 20 लाख के लॉस में 5 ये था, 6 ये था, 3 ये था, ठीक है, और जो बच गया अमाउंट वो हमेशा क्या कहलाता है, अदर बिजनेस लॉस। अब सुनो, आप लोगों को अगर बिजनेस सेट याद है तो ये जो 3 लॉस है, डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग, ये जो 3 खर्चे हैं जिनकी वजह से लॉस हो गया, ये 3 खर्चे अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट खुद चला के आपको बोलती है खर्चा करो। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मैं कोई टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाऊं और कहूं उस पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है, और बाद में बोलूं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको भी लगेगा कि क्या बेकार टीचर है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन को बोला, साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करो, फैमिली प्लानिंग पे खर्चा करो, मशीन नई खरीदो, तो लोगों ने आप गवर्नमेंट ये कहने पे मशीन खरीदी, रिसर्च करी, और बाद में गवर्नमेंट बोलती है अरे क्यों करा रिसर्च, हम तो सेटअप नहीं करेंगे, तो फिर लोग छिड़ेंगे आपके कहने पे तो खर्चा किया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारे कहने पे 3 खर्चे हुए, बाकी खर्चे आपकी मर्जी से हुए, तो इन 3 खर्चों के लिए गवर्नमेंट कहती है किसी भी इनकम से सेटअप कर लेना, किसको छोड़ के, सैलरी, सैलरी तो भयंकर चिढ़ा हुआ है, तो सैलरी को छोड़ के किसी भी इनकम से क्या कर लेना, सेटअप, समझ में आ रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने खुद नहीं कहा था कि खर्चा करने को, देखो नंबर ऑफ इयर्स में क्या लिखा हुआ है, नो लिमिट मतलब 50 साल बाद भी प्रॉफिट होता है कहीं पे तो आप सेटअप कर सकते, ये सबसे अच्छी बात है इसकी, वो इसलिए बच्चों क्योंकि गवर्नमेंट कहती है जब हम नहीं खर्चा करने को बोला और लिमिट रख देंगे तो बुरा लगेगा, और जहां भी नो लिमिट है वहां गवर्नमेंट कहती है रिटर्न की जरूरत ही क्या है, रिटर्न तो काउंट करने के लिए होता है, 8 साल हो गए या नहीं हुए, जब नो लिमिट है तो रिटर्न की जरूरत नहीं है। तो ये शायद 3 पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपको, ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब सुनो प्लीज, सब लोग सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस तो हो गया, 4 लॉस के 4 टुकड़े करने, ऐसे ऐसे करना है। अब मैंने बनाया नहीं है, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इस नॉन को हटा रहा हूं, अब क्या लिखा हुआ है, ये लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, दिख रहा है, लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव मतलब जुए वाला भाई याद आ रहा है, और जुए वाला भाई का करंट ईयर में कोई साथ नहीं देता ये भी याद आ रहा होगा। अब आने वाले साल में स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस के भी 4 टुकड़े करोगे, हालांकि ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है कि जो इंसान जुआ खेलता है, सट्टा बिजनेस है उसका, वो साइंटिफिक रिसर्च पर खर्चा करेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बनाया बच्चों, इसलिए मुझे पढ़ाना है, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल काम है, तो चलो कोई नहीं। स्पेकुलेटिव बिजनेस के भी जैसे नॉन स्पेकुलेटिव में 4 टुकड़े किए, वैसे ही यहाँ पे भी 4 टुकड़े करोगे, 4 टुकड़ों में जो पहले 3 लॉस है उनका ट्रीटमेंट सेम है, एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है एक इंसान जो जुआ खेलता है अगर वो इन पे खर्चा करेगा तो वो तो हमारे कहने पे किया होगा, ठीक है, तो एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी और रिटर्न नो।
लेकिन अगर उस जुए वाले को अदर बिजनेस लॉस, ये वो सबटेक्स है जो लॉस हुआ है वो होता है, तो गवर्नमेंट कहती है ओनली स्पेकुलेटिव इनकम। समझ में आ रहा है? क्यों ओनली स्पेकुलेटिव? क्योंकि जब करंट ईयर में किसी ने साथ नहीं दिया तो आने वाले साल में भी कोई साथ नहीं देगा। याद आ रहा ना कि सट्टे वाले भाई का, जब करंट में कोई साथ नहीं दे रहा है तो आने वाले साल में कोई नहीं देगा, तो खुद ही कमाओ और लॉस सेट ऑफ करो। और दूसरा नुकसान और है, इयर्स भी 4 साल है, तो याद रखना ये बहुत मल्टीपल चॉइस के लिए भी बहुत काम किया है कि नॉन स्पेकुलेटिव को तो मिलते हैं 8 साल और इनको मिलते हैं 4 साल। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो ये नॉन स्पेकुलेटिव और स्पेकुलेटिव ढंग से लिखना नोटबुक में। अब लास्ट अगला 35 AD, आपको अच्छे से पता है ये ईगो वाला भाई है जो किसी के पास नहीं गया, ना पड़ोसी के पास गया, तो आने वाले साल में भी नहीं जाएगा। तो किससे सेट अप होगा? खुद से ही होगा, और खुद से ही होगा स्पेशल है, इसलिए गवर्नमेंट ने नो लिमिट रखी है। जी मर्जी जितना मर्जी आए आप कैरी फॉरवर्ड करो, और रिटर्न में नो लिखा है। समझ में आया? जहां नो लिमिट होती है वह रिटर्न भी नो होता है। क्लियर? ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखो, लॉस ऑफ मेंटेनिंग हॉर्स रेस। हॉर्स रेस का किसने साथ दिया करंट ईयर में? किसी ने नहीं, तो आने वाले साल में कौन देगा? कोई नहीं, तो किससे सेट अप होगा? खुद से। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? यहाँ पे भी 4 साल ही है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बिजनेस को चाहती नहीं एक्सटेंड हो, और रिटर्न भरना जरूरी। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट हुए, आपको 2 से 3 बार पढ़ना है तब जाके समझ में आएगा। अभी मैं आपको कंफ्यूज करूं, ठीक है ना, ऑनलाइन के अंदर कंफ्यूज क्या करूं आप लोगों को, नहीं तो अभी मैं पूछूं कि नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी से होगा क्या, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उससे होगा क्या, तो कंफ्यूजन होता है। वो तभी दूर होगा जब आप ये 2 से 3 बार वीडियो देखोगे। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? अब लास्ट 2-3 पॉइंट, फिर एक बड़ा सारा प्रैक्टिकल करना है, तरीका मैं बताऊंगा, तो सामने ध्यान दो। पहला जो सब लोग ध्यान दें, बच्चों मेरी बात सुनो, ये लॉस यूं कहने के लिए एक मन का दुख है कि लॉस हो गया, दुख की बात है, लेकिन अगर अपन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लॉस एसेट है आपकी, एसेट। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो, मुझे कहीं लॉस हुआ है, उस लॉस का मैं बेनिफिट ये ले सकता हूं कि जहां मुझे टैक्स देना है, जिस इनकम पे मुझे टैक्स देना है, उस इनकम में से वो लॉस सेट ऑफ करके वो इनकम कम हो जाती है और मेरा टैक्स कम हो जाता है, तो हो गई एसेट, मेरा टैक्स कम कर दिया उसने। लेकिन अगर आपने उस लॉस को एग्जेम्प्टेड इनकम से सेट ऑफ कर दिया तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि एग्जेम्प्ट अपन सेट ऑफ इसीलिए तो करते हैं टैक्स कम हो, और एग्जेम्प्टेड इनकम पे तो पहले से ही टैक्स नहीं लगेगा और आपने कर दिया सेट ऑफ, तो गवर्नमेंट हंसेगी कि ये क्या पागलपंती है। तो क्या याद रखोगे, जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, एग्रीकल्चर और भी बहुत सारी इनकम होती है, उस इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं करोगे, और अगर करते हो तो ये अपन की बेवकूफी कहलाएगी, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं हुआ, वो लॉस उल्टा डूब गया। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट खत्म। दूसरा, कल अगर आए एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम वैसे टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन आगे टैक्स रेट निकालने में काम आता है, तो ये सब कुछ टॉपिक खत्म हो जाएगा तब बताऊंगा। उसमें क्या याद रखोगे, एग्रीकल्चर लॉस दिखाया आपको, तो वो एग्रीकल्चर लॉस एग्रीकल्चर इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, बाकी दूसरे से एग्रीकल्चर को लेना देना नहीं है, इनको साइड में रख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट कल ही कोई पूछ रहा था इसलिए मैंने लिखा, बाकी मैं आपको सबको बता चुका हूं अदर सोर्सेज में भी, कैजुअल इनकम में कुछ भी सेट ऑफ नहीं होता। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप देखते हो कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस वगैरह लिखा हुआ, उस इनकम को पहले साइड में रख देना और क्वेश्चन सॉल्व कर देना। जैसे कल मैंने जो सॉल्यूशन भेजा आपको उसमें यही किया, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, लास्ट में कैजुअल इनकम जोड़ दे। समझ में आया? तो क्वेश्चन करिए आप, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद जो बैलेंस पॉइंट है वो मैं पढ़ा। ठीक है।